90 से कई फिल्मों में हमने देव साहब के डुप्लीकेट को देखा था जिसका नाम था किशोर भानुशाली। किशोर भानुशाली ने कई फिल्मों में काम किया जिनमें मुख्य रूप से रामगढ़ के शोले और बेटा जैसी फिल्में हैं। आज हम बात करेंगे जब देव साहब ने किशोर भानुशाली से बातचीत की, क्या कहा किशोर साहब ने, आइए जानते हैं। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से लीड कर रहे होंगे। नया साल, नई उम्मीदें, नई विचारधाराएं और नए टारगेट, यही इस जिंदगी का लक्ष्य है। बात शुरू होते किशोर भानुशाली जब अपने 6-7 साल की उम्र के थे तो उस समय राज खन्ना का दौर था और राज खन्ना की बहुत सारी फिल्में लगातार हिट हो रही थी, तो किशोर भानुशाली जो है राज खन्ना की फिल्में देखकर राज खन्ना को बहुत पसंद करते थे और उनके बहुत बड़े फैन थे। लेकिन कई लोग उनसे कहते थे कि तुम्हारी शक्ल जो है वो देवानंद से मिलती है। अब किशोर भानुशाली को पता नहीं था कि देवानंद है कौन। इसी बीच देवानंद साहब की ज्वेल थी फाई, तो उन्होंने उस फिल्म को देखा और उस फिल्म को देखने के बाद वे आईने के सामने खड़े हो गए, अपने आप को देखा, कॉलर का बटन बंद किया, रुमाल बांधी और गर्दन हिलाया। उनको लगा कि लोग सही कहते हैं, वो दीवान जैसे दिखते हैं। फिर उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया फिल्मों में आने के लिए। करीब 10 साल तक संघर्ष किया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। थक कर वे अपने पारिवारिक बिजनेस जो उनका था उनमें लग गए। लेकिन इसी बीच उनको एक वीडियो फिल्म करने का मौका मिला। उन्होंने उस वीडियो फिल्म में काम किया और इसे करने के बाद उन्हें एक और फिल्म मिली, फीचर फिल्म मिली, जिसका नाम था रामगढ़ के शोले। इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर थे, जितने भी हीरो थे, नायक की भूमिका निभा रहे थे, वो सब डुप्लीकेट ही थे। जैसे अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट, अनिल कपूर का डुप्लीकेट और खुद किशोर भानुशाली देवान के डुप्लीकेट। इसमें फिल्म का जो विलेन है अमजद खान, वो अपने रोल में थे, यानी गब्बर सिंह के रोल में थे। इस फिल्म के बाद इंद्र कुमार ने उन्हें अपनी फिल्म दिल के लिए साइन किया। दिल एक कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ पर फिल्म थी, कॉलेज के कुछ सीन्स भी थे और उन सीन में किशोर भानुशाली ने अपनी अदायगी से लोगों को बसाया। जब देवानंद साहब ने उस फिल्म को देखी तो उन्होंने किशोर भानुशाली को फोन किया और उन्हें अपने ऑफिसर बुलाया, दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। तो बातचीत के दौरान में देवान ने कहा कि अब लगता है मुझे तुम्हारी कॉपी करनी पड़ेगी। अध्यक्ष साहब उस दिन काफी मजाक के मूड में थे और किशोर भानुशाली सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। फिर अचानक देव साहब ने उनसे पूछा कि किशोर तुम अभी कितने फिल्मों में काम कर रहे हो? तो किशोर भानुशाली ने कहा कि सर मैं 10-12 फिल्मों में अभी काम कर रहा हूँ, मेरे पास है इतनी फिल्में। यार मेरे पास तो सिर्फ 2 ही फिल्में हैं, कुछ फिल्में मुझे दे दो, ये कहकर वो हंस पड़े। किशोर भानुशाली कुछ बोल नहीं पाए, मुस्कुरा कर रह गया। लेकिन किशोर भानुशाली ने देव साहब को कहा कि सर आप मुझे आप किसी फिल्म में मौका दें। तो देवानंद ने उनसे कहा कि जरूर किशोर, मैं तुम्हें जरूर मौका दूंगा। इन सब बातों को याद करते हुए किशोर भानुशाली जरा से भावुक हो जाते हैं और उन्होंने बताया एक इंटरव्यू के दौरान कि डुप्लीकेट होना कभी कभी बहुत बड़ा अभिशाप हो जाता है, कर्ज हो जाता है, क्योंकि जब भी किसी फिल्म में उनको ऑफर होता है तो उनके रियल टैलेंट को जानने की कोशिश नहीं की जाती है। उनसे हमेशा यही उम्मीद की जाती है, हमेशा वैसे ही रोल मिलते हैं कि आपको दीवान के जैसा काम बोलना है, दीवान के जैसा चलना है। तो इससे होता यह है कि हमारे अंदर जो टैलेंट है वो हम किसी को दिखा नहीं पाते हैं। किशोर भानुशाली आगे कहते हैं कि मैं जब फिल्मों में राजपाल यादव या जॉनी लीवर साहब को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी इस तरह का रोल नहीं मिलता। तो एक छोटी सी घटना थी किशोर भानुशाली के बारे में जो मैंने आपको बताया देव साहब से मिलने के बाद क्या हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें और अगर इसी तरह की मजेदार वीडियो, यूनिक वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं हर दिन एक वीडियो देख रहा था आपके लिए।
अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन एक खास बात जो आपको बतानी है वो ये है कि 10 जनवरी यानी रविवार के दिन मैं एक खास वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही स्पेशल है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। उस वीडियो का नाम है माँ तुझे सलाम। ये वीडियो जब इस कहानी को मैंने सुना था तो मेरे दिल को छू गई थी, तो मुझे लगा कि इस कहानी को आपको भी बतानी चाहिए। तो उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उम्मीद इसी वादे के साथ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।